भवानीगढ़ में आज सुबह एक तेज रफ्तार I-20 कार ने अपने आगे जा रही कार को टक्कर मार दी, जिससे उस कार में सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयंकर था कि जिस कार को टक्कर मारी गई वह दूर खेतों में जा गिरी, वहीं जिस कार ने टक्कर मारी थी उस कार में सवार युवक कार को वहीं छोड़कर भाग गए। बाद में पुलिस ने उस कार में से शराब की बहुत सी बोतलें बरामद की। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को हॉस्पिटल में पहुंचाया। बता दें कि भवानीगढ़ में गुजरती नेशनल हाईवे पर शराब की तस्करी आम बात हो गई है। हरियाणा और चंडीगढ़ से अवैध रूप से शराब को मिलाकर इस इलाके में बेचा जाता है। वहीं हादसे में घायल गुरप्रीत सिंह और इंद्रजीत सिंह का इलाज चल रहा है, जो अंबाला के नजदीक पड़ते गांव बीटा के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वह संगरूर जा रहे थे कि पीछे से आ रही I-20 कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उसके बाद क्या हुआ उनको कुछ भी पता नहीं। भवानीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद टीवी न्यूज। पीछे तो ही आ रही थी पटियाले तो ही। थोड़ी गड्डी पीछे तो सारी डैमेज है जी। अगला पंपर जी वो गड्डी शराब सी, अगली गड्डी सी जी मैं तो नहीं देखी जी। वो गड्डी का काफ़ी नुकसान है, ये बंदे अपने कागज पत्र लेके मतलब भज गए। की है गड्डी जी हैगी? गड्डी तो 6-7 बोतल शराब दी है पुलिस ने कढ़िया ने, बाकी कुछ डिग्गी च पई है, पता नहीं शराब है की है। डिग्गी खोल नहीं रही बंद। बंदे कार वाले भी फटड़ हुए ने? वो कार वाले ज्यादा हुए ने जी, I-20 वाले मतलब अपने कागज कट के भज गए। तो कहते भी बंदे से सट्टा लगे भी उन्होंने दाल बना। अभी आ गए जो अभी गड्डी चेक करी ये पेटी जरा बंद है, ये नहीं पता शराब है की शराब समझ लगा गई ये नहीं पता जी। मैं साढ़े आने तो पहले चले गए भज गए।